हरी 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 बोलो नारायण नारायण हरी हरी। इस नगरी में तो अपना एक भक्त रहता है, चलो आज अपने भक्त से ही मिल लेते हैं। क्या सोच रही हो भाग्यवान? कुछ नहीं, बस ऐसे। कुछ तो बात है। हाँ, सोच रही हूँ काश हमारे भी बच्चे होते तो घर में खुशी का माहौल होता। बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर कहते हैं ना, सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम वाहे विधि रहिए। सुजाता देखो हमारे घर कौन आए हैं। नारद जी। नारद जी। नारायण नारायण नारायण। आयुष्मान बाबा, दीर्घायु बाबा। नारायण आसन ग्रहण करें प्रभु। नारायण नारायण। विराजे प्रभु। नारायण नारायण। प्रभु आप हमें लंबी आयु का आशीर्वाद देते हैं। प्रभु हम ग्रस्त हैं। प्रभु दीर्घायु होने के साथ साथ आप हमें पुत्रवती होने का आशीर्वाद दें। हमें पुत्र कामना ने बहुत व्याकुल कर दिया है। हमें एक पुत्र का आशीर्वाद दे प्रभु। देवी मैं तुम्हारे इस प्रश्न को लेकर भगवान के पास गया था। जब मैं भगवान के पास गया था तब नारायण नारायण। आओ नारद। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। नारायण नारायण। कहिए नारद कैसे आना हुआ? हाँ आने का भी प्रयोजन है प्रभु। हाँ बिना प्रयोजन के तो नारद कहीं जाते ही नहीं। कहो क्या प्रयोजन है नारद? प्रभु मृत्यु लोक में गिरधारी नाम का मेरा एक भक्त रहता है, उनके कोई संतान नहीं है प्रभु, उन्हीं के प्रश्न को लेकर आया हूँ। कहिए क्या प्रश्न है नारद? प्रभु उनके भाग्य में संतान है अथवा नहीं? नारद उनके भाग्य में तो संतान सात जन्म भी नहीं है। नारायण नारायण। तो बताओ मैं पुत्रवती का आशीर्वाद कैसे दे सकता हूँ देवी? जैसी प्रभु की इच्छा। अच्छा अब हम चलते हैं।
अच्छा प्रभु, जल्दी दर्शन देना। नारायण नारायण। ओ भगवते वासुदेवाय नमः। ओ भगवते वासुदेवाय नमः। ओ भगवते वासुदेवाय नमः। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। प्रभु तुम्हारी लीला तुम ही जानो। अलोक निरंजन, अलोक निरंजन, अलोक निरंजन। इन साधुओं ने तो दुखी कर रखा है। ये लो देवी, हमें तुम्हारे धन धान्य की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें तो सिर्फ दो मुंदूकड़ी चाहिए। अच्छा, रोटी सिकी सिकाई चाहिए। तेरे ठीक ठाक हाथ पैर है, सेके नहीं खाएगा तेरी रोटी। जैसी प्रभु की इच्छा देवी, जहां सुमति तहां सुख पुत्र खजाना, जहां कुमति वहां विपत्ति है नाना। अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन। जो एक रोटी दे एक बच्चा, जो दो रोटी दे दो बच्चा। लगता है कोई बाबा है। बाबा प्रणाम। खुश रहो देवी। कहिए बाबा, मैं क्या सेवा कर सकती हूँ? देवी, प्रभु इच्छा से हम योग समाधि से उठकर आ रहे हैं। देवी, कुछ आहार की इच्छा है। जो एक रोटी दे एक बच्चा, जो दो रोटी दे दो बच्चा। मगर नारद जी तो कह रहे थे हमारे साथ जन्म भी संतान नहीं है। क्या सोच रही हो देवी? कुछ नहीं बाबा, आप रुकिए, मैं अभी लाती हूँ। लीजिए बाबा। पुत्रवती बाबा। अलग रख दे इसमें। दांतों उस वाले से खेल। नारायण नारायण नारायण। प्रभु आइए आइए। नारायण राजी। प्रभु अरे नारद जी बेटा संभाल। नारायण नारायण। किरधारी लाल। आदेश प्रभु। ये बच्चे कौन हैं? ये दोनों हमारे ही बच्चे हैं प्रभु। क्या विष्णु भगवान तो कह रहे थे कि इनकी सात जन्म में भी संतान नहीं है। करानी मेरी बेइज्जती,
मेरी भक्तों के सामने। अच्छा तो चलते, जैसी आपकी इच्छा करो। नारायण 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 नारायण। आज विष्णु भगवान ने मेरी बेइज्जती करा दी, चलो मुझे झूठा साबित कर दिया, उनसे ही चल के पूछ लो। देवी, जो हम देख रहे हैं क्या वो आप भी देख रही हैं? क्या प्रभु? नारद मृत्युलोक से बड़े क्रोध में आ रहे हैं, इसलिए आप कुछ समय के लिए अंतर ध्यान हो जाओ। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। नारायण नारायण नारायण। प्रभु प्रभु क्या हुआ? कुछ नहीं नारद, बस अब लगता है बचना मुश्किल है। सुब सुब बोलो प्रभु। कोई उपाय तो होगा प्रभु? उपाय तो है नारद। तो कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ प्रभु? उपाय है नारद। जल्दी से आदेश करें प्रभु, मैं वही कार्य करूंगा जिससे आपकी इस पीड़ा का निवारण हो सके। उपाय कठिन है नारद। आप शीघ्र अति शीघ्र उपाय बताएं प्रभु, देरी ना करें। नारद, अगर अति शीघ्र एक कटोरा खून मिल जाए तो प्राण बच सकते हैं। आप चिंता ना करें प्रभु, मैं यूं गया और यूं आया। जल्दी करो नारद। नारायण नारायण। कहां से लाऊं खून, क्यों जल्दी से लौटे आऊं? प्रभु बड़े परेशान हैं। और मुकेश क्या हाल है? बस बढ़िया भैया, तो कटराट है। यही उचित रहेगा, यहीं से ही जल्दी वापस हो जाऊंगा। और क्या काम धाम चल रहा है आजकल? काम धाम क्या, सबसे अच्छा बिजनेस तो आजकल मांगने का है। मांगने का काम भी कोई आसान बात नहीं है। सही बात है। नारायण नारायण। भाई भगवान बहुत बीमार हैं। लो इनकी सुनो, बताओ भगवान भी बीमार होते हैं? हाँ भाई हाँ, उनको एक कटोरा खून की आवश्यकता है। मुझे एक कटोरा खून चाहिए। लो बताओ भगवान भी बीमार होते हैं? हाँ भाई हाँ, भगवान बहुत बीमार हैं। जा जा कहीं और बेवकूफ बना, चला खून मांगने। अब कहाँ जाऊं, अगर देर हो गई तो कुछ अनर्थ ना हो जाए। नारायण नारायण। यही उचित रहेगा, यहीं से ही जल्दी वापस हो जाऊंगा। अरे सुनो भाई। अरे हट यार, देखा मार अंदर। अरे सुनो भाई। अरे क्या है भैया? भगवान बहुत बीमार हैं, उन्हें एक कटोरा खून चाहिए। लो इन्हें खून चाहिए। लो भैया ना, बीमारी ठीक करने के लिए खून चाहिए। हाँ भाई हाँ, भगवान बहुत बीमार हैं। देखने में तो बहुत हट्टा कट्टा है, खून दे हम। राजा कहीं और मांगना, चला खून मांगने। नारायण नारायण। खेल का ही मजा बिगाड़ दिया, चला खून मांगने।
अब क्या होगा, कोई एक कटोरा खून देने को तैयार ही नहीं है। अब भगवान के पास क्या मुंह लेके जाऊंगा, क्या भगवान की बीमारी ठीक नहीं होगी। नारायण नारायण नारायण, चलो इन महात्मा के पास चलते, क्या पता उन्हीं से ही मिल जाए। नारायण नारायण नारायण। अरे नारद जी आओ प्रभु। अहो भाग्य हमारे, जो दास की कुटिया में नारद जी पधारे। स्वागत है प्रभु, विराजिए। पधारने का समय नहीं है मुनिवर, एक बहुत बड़ा संकट आ गया है। कैसा संकट प्रभु, और कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मुनिवर, विष्णु भगवान बहुत बीमार है। प्रभु क्या हुआ भगवान को, और उनके ठीक होने का क्या उपाय है। उपाय है मुनिवर, और आप कर सकते हैं। प्रभु मैं? हाँ मुनिवर, आप ही कर सकते हैं। तो जल्दी बताइए, मेरे प्रभु को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। मुनिवर एक कटोरा खून चाहिए। बस एक कटोरा खून? लो मेरे शरीर से सारा खून ले लो, मगर मेरे प्रभु को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। लो मुनिवर। विराजिए प्रभु। लो मेरे हर अंग का खून लीजिए आप। मेरे हर अंग का खून ले लो, मगर मेरे प्रभु को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। जितना चाहे उतना खून ले लो, मगर मेरे प्रभु को कष्ट नहीं होना चाहिए। मगर मेरे प्रभु को कष्ट नहीं होना चाहिए। मगर मेरे प्रभु को कष्ट नहीं होना चाहिए। लीजिए प्रभु, अब आप देरी ना करें। ठीक है मुनिवर। नारायण 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 नारायण। प्रभु आप? हाँ नारद, मैं ठीक हूँ। अब यही मौका है प्रभु से प्रश्न पूछने का। क्या सोच रहे हो नारद? कुछ नहीं प्रभु, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हमसे कुछ छुपा रहे हो। प्रभु भला इस संसार में आपसे कुछ छुपा है? परंतु क्या नारद? एक सवाल है मन में। तो फिर शंका कैसी, पूछो क्या सवाल है। प्रभु मैंने पूछा था कि मृत्यु लोक में गिरधारी नाम का मेरा एक भक्त रहता है। हाँ पूछा था। आपने कहा था कि उसके तो सात जन्म तक संतान नहीं होगी। हाँ कहा था नारद, परंतु उसके आंगन में तो दो संतानें खेल रही हैं, ये कैसे संभव है प्रभु? तुम अब भी नहीं समझे नारद। मतलब साफ है नारद, तुम एक कटोरा खून के लिए सारे मृत्युलोक में घूम आए, और तुम्हें तुम्हारे उपहास के सिवाय कुछ नहीं मिला। परंतु क्या प्रभु? वो महात्मा जिसने तुम्हें
एक कटोरा खून दिया है, एक दिन अपनी वर्षों की तपस्या से उठकर भोजन की इच्छा से उस नगरी में गए और कहिए बाबा, मैं क्या सेवा कर सकती हूँ? देवी, प्रभु इच्छा से हम योग समाधि से उठकर आ रहे हैं। देवी, कुछ आहार की इच्छा है, जो एक रोटी दे एक बच्चा, जो दो रोटी दे दो बच्चा। लीजिए बाबा। पुत्रवती बाबा, अब तुम ही बताओ नारद, मैं क्या करता? परंतु मेरा उपहास मेरे ही भक्तों के सामने। नारद, खून तो तुम्हारे शरीर में भी था, तुम भी दे सकते थे। नारायण नारायण नारायण, प्रभु आपकी लीला तो आप ही जाने। नारायण 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 नारायण।